प्राचीन कहानियां उन सभ्यताओं की जो हमारी सभ्यता से बहुत पहले हुई थी। दंत कथाओं में पहले से पहले की बात की जाती है जब देवता और आम इंसान पृथ्वी पर साथ में रहते थे। नई खोजें जो पारंपरिक इतिहास को चुनौती देती है। मेसो अमेरिकन साइट्स ने आर्कियोलॉजी की समय सीमा 10,000 साल से कई लाख साल पुरानी कर दी है। और ये मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स सबूत है कि हमारे ख्याल से हम जो पृथ्वी के बारे में जानते हैं वो सब गलत है। ये पिरामिड इस पानी में काफी गहराई में है और ये करीब 50,000 साल पुरानी होगी। मेरे दिमाग में इस बात को लेकर कोई शक नहीं है कि पृथ्वी पर जो प्री एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशंस थी उनके पास बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी थी और उन्हें दूसरी दुनिया के जीवों से मदद भी मिलती थी। लेकिन अगर पृथ्वी पर मानव सभ्यताएं लाखों साल पहले थी तो उनका क्या हुआ और क्या जल्द ही हमारा अंजाम भी उनके जैसा ही होने वाला है? ब्रह्मांड में एक दरवाजा बना है और उसके पार है वो सच जिससे हम अनजान हैं। उसे जानने के लिए हमें हर उस बात पर सवाल उठाने होंगे जो हम जानते हैं। सबूत हमारे आसपास ही है, हमारा भविष्य हमारी नजरों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं, हम कभी अकेले रहे ही नहीं। द वर्ल्ड बिफोर टाइम, अप्रैल 2018। नासा साइंटिस्ट गेविन श्मिट और एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडम फ्रैंक ने एक बड़ा चौंकाने वाला लेख लिखा जिसने एक बड़ा अहम सवाल उठाया था। क्या पृथ्वी पर हमारे अतीत में ऐसी सभ्यताएं थी जो इतिहास के पन्नों में जगह ही ना पा सकी? उस लेख ने एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया था, क्या हम ऐसी सभ्यताओं का पता लगा सकते हैं जो लाखों साल पुरानी हो? और इसका जवाब बस एक ही है, नहीं, क्योंकि उन सभ्यताओं के सारे सबूत और उनके अवशेष वक्त के साथ गायब हो गए। उनका कहना था उनसे जुड़े सबूत ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। एक जमाने में पृथ्वी पर ऐसी विनाश लीला हुई थी जिसमें उन सभ्यताओं के सारे सबूत नष्ट हो गए। वो टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन कुछ 100 साल की ही थी और इतना समय फॉसिल रिकॉर्ड के हिसाब से बहुत लंबा टाइम फ्रेम नहीं है। अगर हमारी सभ्यता भी नष्ट होती है तो आने वाले दिनों में शायद हमारा भी कोई रिकॉर्ड ना मिले। अगर मानव सभ्यता खत्म हो जाती है तो आज से 1,000 साल बाद हमारी आसमां छूती इमारतों और हमारे वजूद का भी कोई सबूत नहीं रह जाएगा। तो ये कोई नहीं जानता कि आज से 1,00,000 साल बाद या फिर शायद लाखों साल बाद क्या बचा रह जाएगा। मुख्य धारा के आर्कियोलॉजी मानते हैं कि सबसे पुरानी सभ्यता आज के इराक के आसपास करीब 3000 बीसी में बसी थी। लेकिन कई प्राचीन लोगों के बचे कुचे इतिहास से पता लगता है कि जो पृथ्वी पर रहने वाले इंसान थे और जो आसमान से आए देवता थे वो साथ में ही यहाँ रहते थे। दंत कथाएं तो चली आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी से, यानी कई पीढ़ियों से। उनमें पहले से भी पहले की बात कही जाती है जब देवता और इंसान साथ में पृथ्वी पर रहते थे। हेसियोड एक ग्रीक लेखक थे जिन्होंने 5 एजेस ऑफ मैन लिखी थी, गोल्डन एज, सिल्वर एज, ब्रॉन्ज एज, एज ऑफ हीरोज और एज ऑफ आयरन। गोल्डन एज में लोग देवताओं के साथ बड़ी शानदार जिंदगी बिता रहे थे, उन्हें लगता था कि ये कोई मिथक नहीं है। एस्टेक्स भी इंसानों से अलग युग में हुए थे, दूसरी संस्कृतियों का भी अलग अलग दौर रहा है और ये सिलसिला काफी पुराना है, ये उनके ओरिजिन से भी जुड़ा है। जब हम ग्रीक्स और एजटेक्स के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को देखते हैं तो उनमें हमें युगों की बात मिलती है। उनसे तो यही लगता है कि मानव सभ्यता कई हजार साल तक अंधेरे और उजाले में आती जाती रही है, शायद कई युगों तक। ये पृथ्वी पर बस हमारे अनुभव का एक हिस्सा है। आज के इंसान से पहले भी एक और मानव सभ्यता की बात तो जुडेइक टेक्स्ट में मिलती है जिनमें लिखा है कि बिब्लिकल एडम के पहले भी पृथ्वी पर इंसानों की एक नस्ल रहती थी। प्री एडमिक सिविलाइजेशन की चर्चा तो बाइबल में भी मिलती है, उसमें एक बड़ी ही दिलचस्प जेनियोलॉजी है
जो हमें बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 36 में नजर आती है, और उसमें ये लिखा है कि ये वो राजा थे जो एडम पर राज करते थे, इज़राइल के राजा से बहुत पहले। एडम के पहले भी पृथ्वी पर ह्यूमनॉइड नस्ल के जीवों की सभ्यताएं बसी थी जो काफी बुद्धिमान और टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी। इनोकियन लिटरेचर के मुताबिक हमारे पास उसके रिकॉर्ड हैं जिसके मुताबिक वो टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस थी, पर उनके पास शायद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी थी। कई कल्चर्स, कई ट्रेडिशन से ये बात पता लगती है कि हमारी आज की मानव सभ्यता के विकास के काफी पहले भी पृथ्वी पर कुछ था। शायद हमारी सभ्यता से काफी पहले पृथ्वी पर ऐसी सभ्यताएं थी, और हम ऐसी इकलौती टेक्नोलॉजिकल सभ्यता नहीं है, बस सबसे नई है। यहाँ पहले भी कई सभ्यताएं ऐसी रह चुकी हैं, वो नष्ट हो गई और वक्त के साथ उन्हें भुला भी दिया गया। क्या ये कहा जा सकता है कि ये प्राचीन कहानियां सिर्फ कहानियां ना हो, बल्कि ये हकीकत है कि हमारी पृथ्वी ने एक से ज्यादा सभ्यताओं को बसते और खत्म होते देखा है, और वो सब काफी उन्नत सभ्यताएं थी। कई कहानियों में उस गोल्डन एरा की बात कही गई है जब इंसान और देवता साथ रहते थे। अब सवाल उठता है कि कौन से देवता और कौन सा वक्त, और वो असल में थे कौन। मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी ये कहती है कि वो देवता असल में हमारे पूर्वजों की कल्पना का अंश थे, मगर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वज कुदरत के देवताओं और आसमान से आने वाले देवताओं में फर्क करना जानते थे, क्योंकि आसमान से आए उन्हीं देवताओं ने इंसानों को कई चीजें सिखाई थी। तो अगर कोई प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन थी तो उसे वो सारा ज्ञान दूसरी दुनिया के जीवों से मिला था। आज हम जिसे एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी कहते हैं, उसके पीछे का सेंट्रल आइडिया यही है कि हमारे अतीत में परग्रही जीव पृथ्वी पर आते थे और उन्होंने यहाँ पर रहने वाले इंसानों की दशा और दिशा बदल दी थी। अगर उन प्राचीन सभ्यताओं की कहानियाँ सच्ची हैं, तो वो कहानी भी जिनमें देवताओं के साथ इंसान के रहने की बात कही गई है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि परग्रही जीव पृथ्वी पर एक नहीं बल्कि कई बार आए थे। एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि ना सिर्फ ये बात सच्ची हो सकती है, बल्कि उनका ये भी कहना है कि इससे जुड़े सबूत सुमेरियन सभ्यता की कहानियों की जांच पड़ताल से मिल सकते हैं, जो करीब 5000 साल पहले हुई थी, और उन जीवों का नाम था अनुनाकी। अनुनाकी का मतलब होता है आसमान से आए जीव। हमारे पूर्वजों को लगता था उनसे मिलने डिवाइन मैजिकल जीव पृथ्वी पर आया करते थे। प्राचीन सुमेरियन टेक्स्ट में कहा गया है कि वो पृथ्वी पर नॉलेज और साइंस लेकर आए थे। उन्हें आमतौर पर परिंदों जैसा जीव दिखाया गया था। कमाल की बात है कि परिंदे जैसे चेहरे वाले अनुनाकी से मिलते जुलते एक जीव का चित्र लेस्को फ्रांस की एक गुफा में मिला है, जो करीब 16,000 बीसी का है। लेस्को केव में एक काफी गहरा शाफ्ट है और उसकी दीवारों पर चित्रों के जरिए एक कहानी लिखी गई है। उन चित्रों में एक बड़ा बुल जैसा जीव है और उसके पास ही एक बर्डमैन बना है, परिंदे जैसी चोंच वाला एक जीव। लेस्को के बर्डमैन को एक शामनिस्टिक फिगर माना जाता है, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या वो कुछ और तो नहीं है? कहीं वो किसी और दुनिया का जीव तो नहीं था जो फ्रांस के उस प्री हिस्टोरिक कल्चर के साथ इंटरेक्ट करता था। 2019 में इंडोनेशिया के आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐलान किया कि उन्हें सुलावेसी टापू पर एक गुफा के अंदर रॉक आर्ट मिला है, और उनका अंदाजा था कि वो करीब 44,000 साल पुराना है। अगर ये सही है तो जाहिर है कि वो कहानी बयां करने का सबसे पुराना पिक्टोरियल रिकॉर्ड है। कमाल की बात तो ये है कि गुफा की दीवारों पर बने चित्रों में एक ऐसा इंसान जैसा जीव भी बना था जिसका सर परिंदे जैसा था। उन पेंटिंग्स में 8 ह्यूमनॉइड शिकारी दिखाए गए हैं जो जानवरों के एक झुंड की तरफ बढ़ रहे हैं। उनमें से एक की परिंदे जैसी बहुत लंबी चोंच थी। 44,000 साल पहले इंडोनेशिया में वो बर्डमैन रहते थे। 18,000 साल पहले वो फ्रांस में थे। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक ही है कि उन बर्डमैन की आकृतियां उन अलग अलग इलाकों में बनाई गई हैं? एक सवाल ये भी उठता है कि क्या वो बर्डमैन असल में उन अनुनाकी जीवों के रिप्रेजेंटेटिव थे जो हमारी प्री हिस्ट्री में आने वाले एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल थे?
अगर एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का ये दावा सही है कि हमारी सभ्यता से काफी पहले भी पृथ्वी पर कई बड़ी उन्नत सभ्यताएं हुई हैं, तो फिर उनका क्या हुआ और उनकी मौजूदगी का कोई पुख्ता सबूत क्यों नहीं मिलता? कई तो मानते हैं कि जवाब हमारी नजरों के सामने छिपा है और उनके वजूद से जुड़े पुख्ता सबूत उन चीजों में मिलते हैं जो बड़ी आसानी से समय की मार भी सह लेते हैं। पत्थर। बोस्टन मैसाचुसेट्स 2020 एरोस्पेस इंजीनियर और सैटेलाइट इमेजिंग एक्सपर्ट डॉक्टर मार्क कार्लोटो पिछले 3 साल से दुनिया की कुछ शानदार आर्कियोलॉजिकल साइट्स की जांच पड़ताल कर रहे हैं। उन साइट्स की बहुत बारीकी से जांच करने और उनकी जियोग्राफिकल ओरिएंटेशन को बहुत करीब से देखने पर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि कई प्राचीन स्ट्रक्चर से इस बात के सबूत मिलते हैं कि उनमें से कई उस वक्त से बहुत पहले की है जो समय मुख्य धारा की आर्कियोलॉजी बताती है और वो शायद उससे लाखों साल पुराने। अगर हम आज उनमें से कई मॉन्यूमेंट्स को देखें तो लगता है कि उन्हें कार्डिनल डायरेक्शंस के मुताबिक बनाया गया है और उस तरह के अलाइनमेंट के लिए पृथ्वी, एस्ट्रोनॉमी और आसमान की जानकारी बहुत जरूरी थी। दुनिया के ज्यादातर मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स इस तरह से बनाए गए हैं कि वो पृथ्वी के कार्डिनल डायरेक्शंस के अलाइनमेंट में है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। डॉक्टर कार्लोटो की जांच से एक बड़ी अहम बात सामने आई। उन्होंने देखा कि मेक्सिको सिटी के उत्तर में मौजूद एक प्राचीन कॉम्प्लेक्स टियोटियुआकान सही तरह से लाइनअप नहीं है। तब उनके दिमाग में एक बात आई कि हो सकता है कि वो स्ट्रक्चर शायद लाखों साल पहले बना हो और तब पृथ्वी के दोनों ध्रुव उस जगह पर नहीं थे जहां आज है। ये बात उतनी भी गलत नहीं हो सकती जितनी लगती है। 1950 में हार्वर्ड से पढ़े साइंटिस्ट चार्ल्स हैपगुड ने एक थ्योरी दी थी क्रस्टल डिस्प्लेसमेंट और कहा था कि इतिहास में कई दौर ऐसे भी आए जब पृथ्वी की पपड़ी ने अचानक ही बहुत तेजी से अपनी पोजीशंस बदल ली थी, जिसकी वजह से दक्षिण और उत्तर ध्रुव की भी पोजीशंस बदल गई। प्लेट टेक्टोनिक्स वो प्लेट्स हैं जो अलग अलग प्लेट्स के तौर पर धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और चार्ल्स की थ्योरी के मुताबिक उनकी ज्यादा दिलचस्पी उनकी धीमी और स्टेडी मूवमेंट में नहीं बल्कि पूरे क्रस्ट की अचानक और क्विक मूवमेंट में थी। हैपगुड का कहना था कि पृथ्वी की पतली पपड़ी उसकी ऊपरी परत पर आगे खिसक जाती है, इसी वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी शिफ्ट हो गए और फिर काफी बड़े जबरदस्त बदलाव भी आए। हैपगुड का एनालिसिस क्लाइमेट डेटा पर बेस्ड था। वो मौसम में आए बदलाव के पैटर्न को देख रहे थे। ग्लेशियल पैटर्न में भी बदलाव आए, आइस एजेस, और उन्हें लगता था कि उन पैटर्न से जुड़े थे वो कारण जिनसे पोल्स शिफ्ट हुए थे। हैपगुड मानते थे कि पिछले 1,00,000 सालों में नॉर्थ पोल की लोकेशंस 3 बार बदली। जब मैं इन मेसोअमेरिकन साइट्स की तस्वीरें देखता हूँ तो लगता है कि वो पिरामिड और टेम्पल्स नॉर्थ की तरफ अलाइन नहीं थे, तो मुझे लगा कि वो शायद पुराने नॉर्थ पोल की तरफ अलाइन थे जिनकी खोज हैपगुड ने की थी। हैपगुड ने अपनी थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास भेजी और उन्होंने उसे एंडोर्स किया था। और जब आइंस्टाइन की मौत हुई थी तब हैपगुड की किताब उनके डेस्क पर खुली रखी थी। डॉक्टर कार्लोटो मानते थे कि दुनिया के कुछ शानदार प्राचीन स्ट्रक्चर्स न सिर्फ हैपगुड की थ्योरी की तस्दीक करते हैं बल्कि वो थ्योरी पृथ्वी पर बुद्धिमान जीवों के बारे में हमारी सोच को ही पूरी तरह से बदल देती है। मैंने इन तस्वीरों को तब एनालाइज करना शुरू किया जब मुझे एक ऐसी जियोग्राफिकली रजिस्टर्ड इमेज मिली जिससे पता लग रहा था कि नॉर्थ कहाँ था। मिसाल के तौर पर हमारे पास टियोटियुआकान है और वहीं से मेरी खोज शुरू हुई थी। अब मैं इन 4 साइट्स को हाईलाइट कर देता हूँ जिससे पता लग जाए कि नॉर्थ किस तरफ है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पिरामिड अपने कार्डिनल डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ ओरिएंटेड नहीं। उनकी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए डॉक्टर कार्लोटो ये भी पता लगाना चाहते थे कि क्या कुछ और प्राचीन स्ट्रक्चर्स में टियोटियुआकान जैसी जियोग्राफिक एनोमली है। मैंने उनके अलाइनमेंट को एनालाइज करने की कोशिश में एक एल्गोरिथम डेवलप कर लिया और आज जब हम इसे जूम आउट करके देखते हैं तो साफ पता लगता है कि टियोटियुआकान आसपास की दूसरी साइट के साथ अलाइंड है। और मैं यहाँ जूम आउट करके आपको भी दिखा सकता हूँ। यहाँ आपको मेक्सिको घाटी में कई ऐसी साइट्स दिख जाएंगी जो उसी जी जनरल डायरेक्शन की तरफ अलाइंड है। ये सभी लाइंस असल में मेरिडियंस है और ये हडसन बे के ईस्ट के एक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। कमाल की बात है कि ये साइट्स उस लोकेशन की तरफ अलाइंड है जिसके बारे में हैपगुड ने कहा था कि वहाँ कभी नॉर्थ पोल था। हैपगुड मानते थे कि हडसन बे पोल आज से 12,000 से 18,000 साल पहले था
और इनसाइट्स का अलाइनमेंट उस खास पोल की तरफ है, जिसका मतलब है वो पोल भी उतना ही पुराना। अगर डॉक्टर कार्लोटो की एनालिसिस सही है तो उससे तो यही साबित होता है कि टीओटीवाकान कम से कम 10,000 बीसी में बना था, यानी वो मुख्य धारा के आर्कियोलॉजिस्ट के बताए समय से 10,000 साल ज्यादा पुराना है। उनका ये भी कहना है कि दूसरी साइट शायद उससे भी पहले बनी थी। पृथ्वी पर बनी एक बहुत ही एनिग्मेटिक साइट है बॉलबेक, लेबनन में बना जुपिटर का मंदिर। हम भी देख सकते हैं कि ये नॉर्दर्न ग्रीनलैंड के एक पॉइंट की तरफ ओरिएंटेड है, और हैपगुड मानते थे कि वो नॉर्थ पोल की पुरानी लोकेशन थी। हैपगुड की थ्योरी के आधार पर बॉलबेक के नॉर्दर्न ग्रीनलैंड की तरफ उस अलाइनमेंट की वजह से वो करीब 50,000 साल पहले बना लगता है। करीब ही मौजूद है एक और साइट, जेरूसलम शहर की वेस्टर्न वॉल है, जो ग्रीनलैंड पोल की तरफ अलाइंड है। अब हम एक तीसरी साइट एथेंस के पार्थेनॉन को देखते हैं। अब तक यही माना जाता रहा है कि इन साइट्स पर बने ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स, या कह सकते हैं कि वो ओरिजिनल साइट्स कम से कम 50,000 साल पहले की हैं। डॉक्टर कार्लोटो के मुताबिक ये भी पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुराने स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। हैपगुड की थ्योरी के मुताबिक आज से 1,00,000 से ज्यादा साल पहले नॉर्थ पोल बेरिंग सी में था। ये ओएंटे टैम्बू में बना 6 मोनोलिथ्स का मंदिर है, और ये सन टेंपल है। आम तौर पर सन टेंपल्स कार्डिनल डायरेक्शंस में ही अलाइन हैं। इन सभी में एक ईस्टर्न साइट है जिसका रुख इक्विनॉक्स के उगते सूरज की तरफ है। यहाँ का सन टेंपल करीब 45 डिग्री पर झुका हुआ है। ऐसे में आज के ध्रुव की तरह उसके अलाइनमेंट का कोई मतलब भी नहीं बनता, लेकिन अगर हम अपने रेफरेंस को बदल लें और उस पुराने ध्रुव की तरह देखें जिसके बारे में माना जाता है कि वो बेरिंग सी में था, तब सन टेंपल का ये ओरिएंटेशन समझ में आता है। इस एनालिसिस की सबसे खास बात ये है कि ये आर्कियोलॉजी के टाइम फ्रेम को 10,000 साल से लाखों साल पहले तक बढ़ा देता है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि एजटेक्स के 5 युग, ग्रीक्स के 5 युग और पोल की पुरानी और मौजूदा लोकेशंस एक दूसरे से जुड़ी हैं। इस तरह से जो पोल शिफ्ट्स हुए उनकी शुरुआत की कहानी भी बड़ी चौंकाने वाली है। ये स्ट्रक्चर्स आर्कियोलॉजिस्ट की मान्यताओं से काफी पुराने हो सकते हैं, और फिर लोगों ने उन्हें सैकड़ों या हजारों साल बाद दोबारा ढूंढा और उनका फिर से इस्तेमाल करने लगे। ये बात ही बड़ी दिलचस्प है। क्या जमाने पहले लुप्त हो चुकी सभ्यताओं के अवशेष आज भी बचे हुए हैं? उन सभ्यताओं के जो आज से 1,00,000 साल पहले की थी, मगर उन्हें विद्वानों ने गलती से हाल का मान लिया था। शायद इससे जुड़े सबूत हमें उन प्राचीन लेखों की जांच पड़ताल से मिल सकते हैं जो 10,000 साल ज्यादा से पहले के हैं। बोस्टन, मैसाचुसेट्स, 1 फरवरी 2019। जियोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट शॉ और उनके कलीग डॉक्टर मानु सेवजेरे ने एक ऐसी खोज का ऐलान किया जो मानव इतिहास की मान्य टाइमलाइन के बारे में हमारी सोच ही बदल देगी। उनका कहना था कि उन्हें टर्की में गोबेकली टेपे के करीब 12,000 साल पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट पर एक हायरोग्लिफिक राइटिंग मिली है। अगर ये सही है तो जाहिर है ये आज तक मिले किसी भी लेख से कई हजार साल पुराना है। मैं तो यही मानता हूँ कि गोबेकली टेपे में हमें इस बात के सबूत मिले हैं कि वहाँ न सिर्फ राइटिंग और सिंबॉलिक नोटेशंस हैं, बल्कि कुछ पिलर्स पर लिखे लेख भी हैं। हम अभी भी उन्हें इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये एनालिसिस सही है तो जाहिर है उन्होंने लेख लिखे थे। अभी तक की पारंपरिक मान्यता तो ये है कि पृथ्वी पर लिखाई पढ़ाई का दौर ही गोबेकली टेपे बनने के 6,000 या 7,000 साल बाद शुरू हुआ था, और हम अब गोबेकली टेपे में जो देख रहे हैं उसे देखकर नहीं लगता कि वो शुरुआत थी। क्या गोबेकली टेपे के पत्थर के पिलर्स पर मिले वो अनूठे सिंबल उस राइटिंग सिस्टम्स के सबूत हैं जिसे एक लुप्त सभ्यता ने विकसित किया था? वो सभ्यता जो 12,000 साल पहले हुई थी। एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि कई ऐसी लुप्त सभ्यताओं के पुख्ता सबूत मिले हैं जो कि आम मान्यता के मुकाबले काफी पुरानी थी। पिनार डेल रियो, क्यूबा, 2001।
कैनेडियन एक्सप्लोरर पॉलिना ज़ेलेंस्की और उनकी टीम यहाँ समंदर के किनारे कुछ दूर एक ओशिनिक सर्वे कर रही थी। तभी उन्हें पानी के नीचे करीब 2000 फुट की गहराई में कुछ बड़े अनूठे फॉर्मेशन दिखे। जब वो तस्वीरें ले रहे थे तभी उन्हें वहाँ एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर और कुछ दूसरे स्ट्रक्चर्स नजर आए। कुछ सर्कुलर एरिया थे और ऐसा लग रहा था कि वहाँ नीचे कोई शहर बसाया गया था जो करीब 2 स्क्वायर किलोमीटर में बसा था। अगर ये बात सही है तो वाकई बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। वो पिरामिड सिटी पानी में इतनी गहराई में है कि जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि वो कम से कम 50,000 साल पुरानी है, क्योंकि तभी सी लेवल्स इतने नीचे थे। 50,000 साल पुराना, क्या क्यूबा के समुद्री किनारे के पास मिले वो फॉर्मेशन डॉक्टर मार्क कार्लोटो की खोजों की ही तस्दीक करते हैं, जिन्होंने कहा था कि बॉल बैक के अलाइनमेंट्स, ग्रीक पार्थेनॉन और कई दूसरे प्राचीन एंशिएंट स्ट्रक्चर्स वाकई आज से 50,000 साल पहले बने थे। हमें दुनिया भर में पानी के नीचे मौजूद खंडहर मिलते हैं। लेक टिटिकाका में पानी के नीचे खंडहर मिले। योनागुनी नाम के सदन जैपनीज आइलैंड में योनागुनी का फॉर्मेशन मिला। भारत में भी द्वारिका जैसे पानी के नीचे मौजूद शहरों के अवशेष मिले हैं और द्वारिका भगवान कृष्ण की नगरी थी। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट कई साल से उसे मिथिकल सिटी ही मान रहे थे, लेकिन फिर उन्हें गुजरात में समंदर में कुछ अवशेष मिले। मेडिटेरेनियन में 200 से ज्यादा डूबे हुए शहर हैं। कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर शुरुआती सभ्यताओं के ज्यादातर सबूत जो आज पानी के नीचे हैं, जाहिर है वो उस वक्त बनाए गए होंगे जब समंदर के लेवल्स, समंदर और कॉन्टिनेंट आज के मुकाबले बिल्कुल अलग थे। ये सबूत यही इशारा करते हैं कि कई सभ्यताएं और संस्कृतियां थी जो आज तक की दुनिया की कहानी में गायब हो गई हैं। हालांकि दुनिया भर में पानी के नीचे मौजूद खंडहरों की अभी तक खुदाई नहीं की जा सकी, क्योंकि वहां तक जाकर आर्टिफैक्ट्स को निकाल पाना बहुत मुश्किल है, मगर उम्मीद है कि एक दिन डाइवर्स उन स्ट्रक्चर्स की जांच करने में कामयाब हो जाएंगे और शायद उन्हें वहां से भी ऐसे सिंबल्स मिल जाए जो गोबेकली टेपे से मिले हैं। लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट शॉक मानते हैं कि अब और इंतजार करना ही नहीं है। 1991 में उन्होंने ये कहकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था कि गीजा का ग्रेट स्फिंक्स फेरोस के दौर से काफी पहले बना था। उस वक्त सारे इजिप्टोलॉजिस्ट यही मानते थे कि इस स्फिनिक्स को 2500 बीसी में बनाया गया था और उसे उस सिरे से लाइमस्टोन बेडरॉक से गाड़ा गया था। मैं एक जियोलॉजिस्ट हूँ, मैं वहाँ गया हूँ, स्फिनिक्स को देखा है। उसे देखते ही मैं समझ गया था कि उसमें कुछ तो गायब है। उसके बाद हमने देखा कि उसकी सतह पर मौसम का कितना असर हुआ है, उसमें कितने मिनरोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, ताकि हमें पता चले कि उस चट्टान को कब गाड़ा गया था। जांच के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि स्फिनिक्स आज से कुछ हजार साल पहले नहीं बल्कि पिछले आइस एज में बना था, मतलब करीब 10,000 BC में। डॉक्टर शॉक के एनालिसिस की सबसे अहम बात थी स्फिंक्स के बेस में हुआ इरोजन। आप स्फिंक्स के शरीर को देखिए, एक जियोलॉजिस्ट होने के नाते मैं फौरन समझ गया था कि कोर बॉडी का कटाव सहारा डेजर्ट की हवा या पानी की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उसकी वजह थी वाटर प्रिसिपिटेशन। वाटर इरोजन सहारा डेजर्ट में, अगर ये एनालिसिस सही है तो उसकी वजह क्या थी? 9700 बीसी के आसपास पूरी दुनिया का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसी की वजह से ग्लेशियर्स पिघलने लगे और सी लेवल्स बढ़ने लगे, लेकिन उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में काफी पानी चला गया। पर हमारा एटमॉस्फेयर एक हद तक ही पानी होल्ड कर सकता है। ज्यादा पानी प्रिसिपिटेशन से नीचे आता है, मूसलाधार बारिश से नीचे गिरता है। लेकिन अगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट की ये बात सही है कि इजिप्ट के वो मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स 10,000 साल से ज्यादा पहले बने थे, तो फिर उस उन्नत सभ्यता का क्या हुआ जिसने उन्हें बनाया था? शायद जवाब हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है और वो हमें होली बाइबल के पन्नों में मिल सकता है। लंदन, इंग्लैंड, 2014,
दुनिया में एक क्यूनेफॉर्म राइटिंग के एक बड़े ही मशहूर एक्सपर्ट और ब्रिटिश म्यूजियम के क्यूरेटर डॉक्टर इरविंग फिंकल ने एक किताब लिखी, द आर्क बिफोर नोआ। उसमें फिंकल ने एक सुमेरियन टैबलेट को ट्रांसलेट किया था जो 3700 साल पुराना था, और उसके बाद तो बाइबल की नोआ और विनाशकारी बाढ़ की कहानी ही बदल गई। उस किताब ने दुनिया भर में खलबली मचा दी थी। जब वो टैबलेट मेरी डेस्क पर आया तब उसे देखने के बाद ही मैं समझ गया कि वो बहुत ही खास था, और मैं उसे देखकर हैरान रह गया था। आमतौर पर लोग इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं कि नोआ के समय की वो विनाशकारी बाढ़ कहाँ से आई थी, और एक बहुत बड़ी बात थी, बाइबल कहती है कि वो बाढ़ ईश्वर का फैसला थी क्योंकि इंसान पापी हो गया था और सब कुछ नष्ट करने पर तुला था। और फिर उन्हें आखिरी वक्त पर इसका अफसोस हुआ तो उन्होंने नोआ से कहा कि वो जल्दी से एक बोट बना लें और सारे जानवरों को उसके ऊपर रखकर दरवाजे बंद कर लें ताकि बाढ़ का पानी उतरने के बाद नए सिरे से जिंदगी शुरू हो। लेकिन वो टैबलेट दरअसल बाइबल की उस कहानी से करीब 1000 साल पुराना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो कहानी आई कहाँ से है, मगर अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिला है। भारत में भी ऐसी एक कहानी मिलती है। राजा मनु को एक मछली ने चेतावनी दी थी कि एक विनाशकारी बाढ़ आने वाली है। राजा ने एक बड़ी सी नाव बनाई और बच निकले। एस्टेक वर्जन कहता है कि एक पवित्र जोड़ा एक मक्का लेकर पेड़ के खोखले तने में छिप गया और इस तरह जान बच गई उनकी। दूसरे वर्जन आयरिश लेजेंड, नॉर्स लोर और चाइना से मिलते हैं। उस लिहाज से ये एक बहुत अहम मोटिव है। हमें किताब में लिखे इतिहास पढ़ने की आदत है, पर मानव सभ्यता का ज्यादातर इतिहास किस्से कहानियों में सुनाया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कहानियाँ मन ग्रंथ हैं, बल्कि वो ऐसे पल थे जब वो मिथक हमें अपने अतीत की हकीकत बता रही थी। यूसेलो, द नेदरलैंड्स, 1940। डच आर्कियोलॉजिस्ट कॉर्नेलिस हेटजोलर एक सैंड पिट की खुदाई कर रहे थे, तभी उन्हें एक बड़ी चौंकाने वाली बात नजर आई। मिट्टी की परत के 50 फुट नीचे राख की एक पतली परत मौजूद थी। वो काली राख की परत थी, तो इसे जाहिर होता है कि उस वक्त एक भारी तबाही आई थी, और वो आज से 11,000 से 13,000 साल पहले की बात है। अगले कुछ साल में राख की वो परत जिसे यूसेलो होराइजन कहा गया, वो दुनिया भर में मिली। यूसेलो होराइजन 4 महाद्वीप के 10 देशों में मिली थी, और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के साथ साथ यूरोप और भारत के दूसरे हिस्सों में भी, और दुनिया भर में मिली राख की ये परत सबूत है कि एक बहुत बड़ी तबाही आई थी। क्या राख की ये परत दुनिया भर में हुए एक महाविनाश का सबूत है, उसके जैसा जिसे विनाशकारी बाढ़ कहते हैं? जियोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट शॉक मानते हैं कि वो विनाशकारी घटना और उससे बनी राख की वो परत असल में एक जबरदस्त सोलर फ्लेयर का नतीजा थी। तब सूरज की चमक अचानक ही बहुत तेज हो गई थी। सबूतों के एनालिसिस के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उस वक्त एक जबरदस्त सोलर आउटबर्स्ट हुआ था। उसकी वजह से सारे ग्लेशियर एक झटके में पिघल गए थे, मतलब पलक झपकते ही उससे पानी भी भाप बन गया था। हमारे पास जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में इस बात के कई पुख्ता सबूत हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि यूसेलो होराइजन इस बात का सबसे पुख्ता सबूत है कि उस विनाशकारी बाढ़ की कहानियां सच्ची हैं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि दुनिया भर में आई एक विनाशकारी बाढ़ इस बात का पुख्ता सबूत है कि पृथ्वी के अतीत में यहाँ परग्रही जीवों की दखलअंदाजी हुई थी। बेबीलोनियन कविता एपिक ऑफ गिलगमेश में हीरो अटनापिस्टम को एनकी देवता ने आने वाली बाढ़ के बारे में बताया था। वेदों में लिखा है कि राजा मनु को मछली के रूप में भगवान विष्णु ने चेतावनी दी थी, और बाइबल के मुताबिक नोआ को खुद ईश्वर ने बाढ़ के बारे में बताया था। दुनिया भर में विनाशकारी बाढ़ की कहानियां हैं, और उन सभी में एक बात सामान्य है। दूसरी दुनिया का एक जीव था, एक परग्रही जीव जिसने पृथ्वी पर आकर कुछ इंसानों को आने वाली तबाही की जानकारी दी थी। इन बातों से साफ पता लगता है कि एक परग्रही संबंध तो था। अगर पृथ्वी पर ऐसी उन्नत सभ्यताएं रहती थी जो इतिहास के पन्नों में गुम हो गई, तो क्या उस विनाशकारी बाढ़ की कहानी से इस बात की पुष्टि होती है कि यहाँ क्या हुआ था? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं
हाँ, उनके मुताबिक इससे जुड़े सबूत डेड सी स्क्रोल से मिल सकते हैं, जो 1947 में जेरूसलम की गुफा में मिले थे। कुछ बेडुइन चरवाहों को कुछ जार्स मिले थे जिनके अंदर एंशियन टेक्स्ट्स रखे थे। जल्दी ही आर्कियोलॉजिस्ट्स और लिंग्विस्ट्स को ये एहसास हो गया था कि उनमें ज्यूइश रिलीजियस लिटरेचर है, जो बहुत ही ख़ास है, सिर्फ ज्यूइश लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। उन लेखों में ही एक कहानी है जो नोआ के जन्म की भी कहानी है, जो ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं है। नोआ के बारे में कहा जाता है कि उनकी स्किन बर्फ से ज्यादा सफेद थी, उनके बाल सफेद ऊन से भी ज्यादा सफेद थे, और नोआ की आंखें सूरज से ज्यादा ब्राइट थी। जब नोआ का जन्म हुआ था तो उनके पिता लामेक अपने पिता मैथुसेला के पास गए और कहा, ये मेरा बेटा नहीं है, यहाँ क्या हुआ था? मैथुसेला ने कहा, हो सकता है वो किसी और जगह से आया हो, एक ऐसी जगह जहाँ इंसान फरिश्तों से मिला था। अब हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि आखिर हकीकत क्या है। मैं तो यही मानता हूँ कि वो लकड़ी से बना कोई बड़ा सा जहाज नहीं था, और अगर हम नोआ को भी इसके साथ जोड़ दें जो दूसरी दुनिया के थे, तो जवाब मिल जाता है। क्या दुनिया भर में आई बाढ़ ही उस उन्नत सभ्यता के खत्म होने का कारण बनी थी, उस सभ्यता का जो हमारी सभ्यता से पुरानी थी? और अगर ऐसा हुआ था तो क्या उसके कुछ ऐसे सर्वाइवल्स बचे थे जिन्होंने कहानियों के जरिए बाढ़ से पहले की दुनिया के बारे में बताया था? एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि उस विनाशकारी बाढ़ से पहले पृथ्वी पर न सिर्फ एक उन्नत सभ्यता थी बल्कि उस सभ्यता के पास जो टेक्नोलॉजी थी उसके अवशेष भी दुनिया भर में मिल जाते हैं। जेरूसलम 2016। इसराइल एंटीक्विटीज के रिसर्चर्स को डेड सी स्क्रोल्स की स्टडी करने की अथॉरिटी मिली थी और उन्होंने एक बड़ी चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने बेहद आला दर्जे की आर्ट इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस प्राचीन लेख का एक ऐसा पैसेज ढूंढ निकाला जो हम आंखों से नहीं देख पाए थे। उन रिसर्चर्स ने डेड सी स्क्रोल में एक ऐसा नया पैसेज ढूंढ निकाला है जो बताता है कि नोआज आंख असल में शिप के आकार जैसा नहीं था बल्कि वो पिरामिड के आकार का था। कमाल की बात यह है कि पहली बार नोआज आर्क को पिरामिड जैसा नहीं दिखाया गया है। 15वीं शताब्दी में इटालियन आर्टिस्ट लोरेंजो गिबर्टी ने अपना मास्टरपीस बनाया। 10 पैनल्स की एक ऐसी सीरीज जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट के सीन्स मिले थे। इटालियन स्कल्प्टर लोरेंजो गिबर्टी को नए फ्लोरेंस कैथीड्रल के दरवाजे बनाने के लिए चुना गया, एल डोमो। उन दरवाजों को गेट्स ऑफ पैराडाइज कहा गया। उनके बारे में ये एक बड़ी ही अनोखी बात थी कि एक जगह पर उन्होंने नोआज आग को पिरामिड जैसा बनाया था जो गीजा के ग्रेट पिरामिड जैसा था। क्या ऐसा हो सकता है कि लोरेंजो जब उस चर्च में काम कर रहे थे तब उन्हें नोआज आग के असली रूप का पता लगा था और उसके बाद उन्होंने उसे अपने स्कल्पचर में बना दिया? इतिहासकारों के मुताबिक जोसर का पिरामिड 2600 BC में बना था और वो इजिप्ट में बना पहला पिरामिड था। ग्रेट पिरामिड तो उसके 100 साल बाद बनाया गया था, लेकिन ग्रेट पिरामिड की डेटिंग और उसके पास बने दो छोटे पिरामिड्स बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि वो उस तारीख से काफी पहले बनाए गए थे। जोसर के स्टेप पिरामिड को दुनिया का पहला पिरामिड माना जाता है। वो एक 6-tier पिरामिड है जो गीजा प्लेटू के बहुत करीब बना है। इजिप्टोलॉजिस्ट अक्सर कहते हैं कि पुराने पिरामिड्स ज्यादा अच्छी तरह से नहीं बने हैं और वो काफी छोटे भी हैं, जैसे कि जोसर का पिरामिड, मगर बाद में उनकी बिल्डिंग की काबिलियत और बेहतर हुई और तब उन्होंने ग्रेट पिरामिड बनाया जो उनका फाइनल कंस्ट्रक्शन मास्टरपीस था। लेकिन शायद बात बिल्कुल उलट थी और ग्रेट पिरामिड, जिसे आज तक का सबसे अच्छा पिरामिड माना जाता है, वो असल में सबसे पुराना भी था। आर्कियोलॉजी के मुताबिक 2500 BC में इंसानों ने ग्रेट पिरामिड बनाया था, लेकिन पुरानी किताबों में, खासकर बुक ऑफ इनोक में, या यूं कहिए हिटाट में, जिसके लेखक एक अरेबियन राइटर थे, उनका कहना था कि ग्रेट पिरामिड को उस विनाशकारी बाढ़ के पहले बनाया गया था।
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रेट पिरामिड असल में जोजर पिरामिड से 1000 साल पहले ही बन गया था? बाद में इजिप्शियन ने उसकी खोज की और कहा, अरे ऐसा तो हम भी बना सकते हैं, और तब उन्होंने जोजर पिरामिड बना दिया। इन सभी में एक मिलता जुलता कॉमन मोटिफ या स्टाइल है, इनका पिरामिडल शेप जो दुनिया में हर जगह मिलता है, इजिप्ट में, मेसोअमेरिका में, चाइना में, मिट्टी के विशाल टीले जो दिखने में पिरामिड जैसे लगते हैं, मगर पिरामिड्स ही क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताएं पिरामिड्स बना रही थी? क्योंकि वो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाना चाहती थी जो काफी पुराने थे और उस विनाशकारी बाढ़ में भी बच गए थे। एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं हाँ, और कुछ रिसर्चर्स ने तो ये भी कहा है कि वो पिरामिड्स जिन्हें बाढ़ के पहले की सभ्यताओं ने बनवाया था, वो असली टेक्नोलॉजी का एक भूला बिसरा रूप है। 1998 की किताब द गीजा पावर प्लांट में मशहूर मशीनिस्ट और इंजीनियर क्रिस्टोफर डन ने लिखा है कि वो शेप, उसके चेंबर्स की पोजीशंस और जमीन के नीचे बहने वाली नदियों के करीब होने की बातें यही बताती है कि गीजा के ग्रेट पिरामिड असल में पावर प्लांट्स का काम करते थे। मैं भी मानता हूँ कि पिरामिड एक तरह के एनर्जी जनरेटर्स थे, और मैं ये भी कहता हूँ कि आर्क असल में जहाज के आकार का था ही नहीं, बल्कि वो भी एक पिरामिड ही था। क्या ये नहीं हो सकता कि जिसने भी इजिप्ट के पिरामिड बनाए थे, वो अपनी टेक्नोलॉजी को प्रिजर्व करना चाहते थे? एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि ग्रेट पिरामिड एक टेक्नोलॉजिकल मकसद हल करता था, मगर इससे एक नया सवाल खड़ा होता है। अगर कोई लुप्त सभ्यता परग्रहियों की मदद से ऐसे बड़े बड़े पावर प्लांट्स बना सकती थी, तो क्या उनके पास कोई ऐसा भी तरीका था जिससे वो आने वाले विनाश से पहले पृथ्वी छोड़कर कहीं दूर चले गए थे? माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, 16 जनवरी 2018। जेनेटिसिस्ट एरिक जावेस और डेटा मैनेजमेंट कंपनी डीएनए नेक्सस ने ऐलान किया कि वो पृथ्वी पर रहने वाले हर एक वर्टिब्रेट प्रजाति का एक बायोलॉजिकल डेटाबेस बनाने जा रही है। उस नए जेनेटिक डीएनए डेटाबेस की डेवलपमेंट भी आज के नोआज आर्क जैसा ही है। उसके अंदर भी उन सभी जीवों के डीएनए को उन स्पेशल डेटाबेस में रखा जाएगा, और अगर कभी पृथ्वी पर कयामत आई और जरूरत पड़ी तो उनमें से किसी भी जीव को फिर से जिंदा किया जा सकेगा। मगर कई रिसर्चर्स मानते हैं कि जब तक कोई ऐसी तबाही आएगी जो पृथ्वी का विनाश कर दे, उससे पहले ही मानव सभ्यता ऐसे तरीके ढूंढ लेगी जो अपने आज के आप को अंतरिक्ष में पहुंचा सके और रहने के लिए एक नया ग्रह ढूंढ ले। हम हमेशा के लिए पृथ्वी पर नहीं रहने वाले हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे रिसोर्सेज खत्म होने लगे हैं। मान लीजिए कुछ और हुआ हो, हम ये भी कह सकते हैं और हम ये जानते हैं और ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आज से 250 साल बाद पृथ्वी से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराएगा। हमें उसके लिए कुछ करना होगा, और अच्छा यही होगा कि हम आज से ही काम शुरू कर दें। 2018 में एक्सियम स्पेस नाम की एक कंपनी ने बताया कि वो पृथ्वी की कक्षा में एक होटल बनाने की योजना बना रही है। इधर नासा भी मंगल ग्रह पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने की तैयारी कर रहा है। अगर हम आज अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ये नहीं हो सकता कि पृथ्वी पर अतीत की उन्नत सभ्यताओं ने भी ऐसा ही किया हो? दुनिया भर की संस्कृतियों में इस बात की चर्चा मिलती है कि इंसानों ने खुद ही पृथ्वी छोड़ने का फैसला किया था, उनमें उन्हें असेंशन कहा गया है। बाढ़ से जुड़े कई मिथकों में एक कॉमन थीम है कि तबाही की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी, और उससे बचने का एक ही तरीका था, अंतरिक्ष में जाना। चांद की सतह पर भी ऐसे कई क्रेटर्स हैं जिनके बीच में पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स बने हैं, और मंगल ग्रह पर भी ऐसे ही पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स बने हैं। हो सकता है कि उन्हें अतीत में किसी ऐसी सुपर सिविलाइजेशन ने बनाया हो, जैसा कि हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि चांद और मंगल ग्रह पर बने पिरामिड और दूसरे स्ट्रक्चर्स उन जीवों ने नहीं बनाए थे जो पृथ्वी पर आते थे, बल्कि उन्होंने बनाए थे जो यहाँ से भागे थे? क्या पृथ्वी से भागे रेफ्यूजीज ने वो स्ट्रक्चर्स तब बनवाए थे जब उन्हें अपने लिए एक नए घर की तलाश थी? एंशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट यही मानते हैं कि इन बातों से यही लगता है
कि एक और बहुत बड़ी संभावना हो सकती है। आज के दौर की यूएफओ एक्टिविटी देखने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या वो यूएफओस उस एंशिएंट सिविलाइजेशन के हैं जो दुनिया में आई तबाही के पहले पृथ्वी से चले गए थे और अब वापस आ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी पर आज से लाखों साल पहले बसी सभ्यताओं का अंत नहीं हुआ था, बल्कि वो किसी और दुनिया में जाकर जिंदा बच गई थी? और अगर ऐसा हुआ था तो क्या वो अब परग्रही जीवों की तरह अपने उसी घर में वापस लौट रहे हैं? शायद जब हम अंतरिक्ष में और गहराई में जाएं, तो हमें वहां परग्रही जीव नहीं बल्कि हमें इंसानों के प्राचीन पूर्वज मिले।